वेलकम वन एंड ऑल, स्वागत है दोस्तों फैक्ट से भरे एक नए वीडियो में। आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे वजनदार और बड़े जानवरों में से एक राइनोसोरस के बारे में, और जानेंगे क्यों राइनो के सींग यानी कि हॉर्न्स बने हैं उसके जान के सबसे बड़े दुश्मन। ये विशालकाय जानवर एक समय यूरोप, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में भरपूर मात्रा में पाए जाते थे। 20वीं शताब्दी में राइनो की संख्या जहां लगभग 5 लाख थी, वो आज मात्र 27,000 के आसपास ही रह गई है, और अब ये यूरोप में पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। राइनो के हॉर्न्स के बारे में जानने से पहले आइए जान लेते हैं उसके कुछ स्पीशीज के बारे में जो आज दुनिया में पाई जाती हैं। आज दुनिया में राइनो की मात्र 5 प्रजातियाँ ही पाई जाती हैं, जो कि हैं जावा के राइनो, सुमात्रा के राइनो, ब्लैक राइनो, वाइट राइनो और एशिया में पाए जाने वाले वन हॉर्न राइनो। आइए इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जावा के राइनो, ये छोटे आकार के राइनोसोरस अब केवल इंडोनेशिया के उजुंग कुलोंग नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। अत्यधिक शिकार के कारण विश्व भर में आज इनकी संख्या मात्र 74 ही रह गई है। सुमात्रा के राइनो, ये विश्व भर में पाए जाने वाले सबसे छोटे आकार के राइनोसोरस होते हैं। ये एशिया में पाए जाने वाले एकमात्र 2 सींग वाले राइनोसोरस हैं। इनकी संख्या अत्यधिक कम हो चुकी है और अब ये केवल सुमात्रा और बोर्नियो के सबा स्टेट में ही पाए जाते हैं। ब्लैक राइनोसोरस, ये अफ्रीकी देशों में पाए जाने वाले 2 सींग वाले राइनोसोरस हैं। जावा और सुमात्रा के राइनो के साथ साथ अत्यधिक पोचिंग के कारण ब्लैक राइनो भी IUCN संस्था के द्वारा यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर संस्था के द्वारा क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज के रूप में डिक्लेयर किए जा चुके हैं। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इस विशाल जीव के हॉर्न में ऐसी क्या बात है कि ये शिकारियों की पहली पसंद बन चुके हैं और अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर हॉर्न बना किस चीज़ से होता है? आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि यह हॉर्न उसी चीज़ का बना हुआ है जिस चीज़ से आपके बाल और आपके नाखून बने हुए हैं। जी हाँ, ये बना हुआ है एक प्रोटीन से जिसका नाम होता है केराटिन। फिशेज में पाए जाने वाले स्केल्स हों या फिर चिड़िया में पाए जाने वाली पीक यानी कि उनकी चोंच, ये सभी केराटिन प्रोटीन के ही बने होते हैं। पिछले 10 सालों में 71,000 से भी ज़्यादा राइनोस का शिकार किया जा चुका है उनके सींग के लिए। तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में इनके हॉर्न्स का उपयोग किया कहाँ जाता है। आइए जानते हैं। प्राचीन समय से ही राइनो के हॉर्न्स को लेकर हजारों धारणाएं बनी हुई हैं, उनमें से कुछ के बारे में हम यहाँ जानेंगे। ग्रीसवासी मानते थे कि राइनो हॉर्न में पानी को प्योरीफाई करने की शक्ति होती है। वहीं पर्शियंस का ये दावा था कि हॉर्न से बना बर्तन जहर यानी कि विष होने या ना होने का पता लगा सकता है। चाइना के शिल्पकार 7th सेंचुरी से ही राइनो के हॉर्न से महंगे आभूषण और गहने बनाया करते थे। उनका मानना था कि नक्काशी और पॉलिश करने पर इसकी चमक समय के साथ बढ़ती ही जाती है। राइनो के हॉर्न से बने आभूषण को वे राजा को उपहार स्वरूप दिया करते थे। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में राइनो के हॉर्न का यूज़ बड़ी मात्रा में किया जाता है। उनका मानना है कि राइनो के हॉर्न से बने मेडिसिन में बुखार कम करने की और अर्थराइटिस जैसे रोगों को ठीक करने की क्षमता है। 2008 में वियतनाम में राइनो हॉर्न की डिमांड में अचानक से तेज़ी आई, जिसकी वजह थी एक अफवाह। वियतनाम में ये खबर बहुत तेज़ी से फैली कि राइनो के हॉर्न से बने मेडिसिन लेने से वहाँ के एक राजनेता का कैंसर पूरी तरह से ठीक हो गया, जिसने हॉर्न की डिमांड को बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया। कुछ जानकारों का ये भी मानना है कि राइनो के हॉर्न को एज अ ड्रग यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि वो लीवर के रोगों को ठीक करने की क्षमता रखता है। आइए अब जानते हैं राइनो के हॉर्न के कीमत के बारे में। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि आज के टाइम में एशियन ब्लैक मार्केट में 1 किलो राइनो हॉर्न की कीमत करीब $65,000 है। यानी अगर हम इसको भारतीय रुपयों में कन्वर्ट करें तो 1 किलो राइनो की कीमत करीब करीब 50 लाख रुपए के आसपास आती है। अगर हम कैलकुलेशन करें तो 1 ग्राम हॉर्न की कीमत
5,000 रुपए के आसपास आएगी। और आज भारत में 1 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत है करीब 4,500 रुपए। आइए अब जानते हैं राइनो हॉर्न्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। क्या आप जानते हैं राइनो के हॉर्न्स हर साल करीब 7 सेंटीमीटर तक ग्रो कर सकते हैं? एक सवाल जो अक्सर हमारे मन में आता है कि क्या राइनो अपने हॉर्न्स के कट जाने के बाद भी जीवित रह सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। अगर सही टेक्निक को फॉलो करके राइनो के हॉर्न्स की कटिंग की जाए तो राइनो के हॉर्न्स अगले 3 सालों में फिर से वापस आ जाते हैं। इसी प्रॉपर टेक्निक का यूज़ करके पार्क रेंजर्स यानी कि नेशनल पार्क्स में मौजूद वहाँ के कर्मचारी राइनो को बेहोश करके उसके हॉर्न्स को निकाल लेते हैं ताकि शिकारी उसका शिकार ना कर पाए और उसकी जान को बचाया जा सके। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे सेव राइनो और इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन के लगातार काम की वजह से आज राइनो की संख्या में लगातार सुधार हो रहा है। मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने राइनो हॉर्न्स के किसी भी प्रकार की मेडिसिनल प्रॉपर्टी होने पर अपनी मुहर नहीं लगाई है, लेकिन फिर भी पोचिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। हमें उम्मीद है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे WWF, सेव राइनो और इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन के लगातार प्रयासों से राइनो की संख्या में लगातार वृद्धि होगी और इनकी पोचिंग पर लगाम लगाया जा सकेगा।